वेलकम, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका आपकी यूट्यूब चैनल में स्टी विद मी में। और जो है ना, कई सारी खुशखबरियां हैं। सबसे पहले मैं वो दे देता हूं, फिर आपको रैली भर्ती जो आ रखी है उनके बारे में बताऊंगा। सबसे पहली खुशखबरी जो है ना, रक्षाबंधन की सभी देशवासियों को, मेरे सब्सक्राइबर्स को, व्यूवर्स को, और जिन्होंने ना सब्सक्राइब किया ना देखते हैं, अगर कभी देखें तो उनको भी बधाइयां, लग लग बधाइयां। और जो है ना, स्वतंत्रता अगस्त भी हमारा एक साथ पड़ रहा है, तो रक्षाबंधन के साथ साथ स्वतंत्रता दिवस की भी आप सब लोगों को हार्दिक बधाइयां, 15 अगस्त की आप सब लोगों को हार्दिक बधाइयां। और जो है ना, एक और जो है ना खुशखबरी की बात, लेकिन ये सबसे पीछे आती है क्योंकि हमारा जो है ना स्वतंत्रता दिवस, 15 अगस्त, रक्षाबंधन काफ़ी आगे हो जाते हैं। और जो तीसरी सबसे बड़ी खुशखबरी है उसके बारे में बता दूं कि आपका जो ये चैनल है स्टडी विथ मी में, जल्द ही 1,00,000 सब्सक्राइबर पूरे करने वाला है। 1,00,000 सब्सक्राइबर 2 या 3 दिन में, हार्डली 2 दिन में ये 1,00,000 सब्सक्राइबर आपके पूरे हो जाएंगे। करीब 99,500 समथिंग हो गए हैं, तो 1-2 दिन में रहे बचे हो जाएंगे। तो आप सब लोगों को जो है ना इतना प्यार दिया इस चैनल को, आप सब लोग देखते हैं, तो इस वजह से इतनी ऊंचाई पर आ पाया है। और आगे की जर्नी काफ़ी लंबी है, करते रहेंगे, चलते रहेंगे। अब चलो वैकेंसी देख लेते हैं। अब ये देखिए, जो वैकेंसी है, मैं इसमें 2 वैकेंसी के बारे में बताना जा रहा हूँ, ये ARO। तो सबसे पहले नागपुर वाली देख लेते हैं, ARO नागपुर या चंद्रपुर आप कह सकते हैं, ठीक है। जो आपकी रैली भर्ती है चंद्रपुर स्टेडियम, जो कि महाराष्ट्र में पड़ता है, और सीकर में एक वैकेंसी आ रखी है ARO, ठीक है। तो देखेंगे दोनों के बारे में। तो सबसे पहले नागपुर वाली मैं आपको बता दूं, ये जो वैकेंसी है ARO नागपुर द्वारा जारी की, इसमें कौन कौन से जिले के बच्चे अप्लाई कर पाएंगे, तो देखिए सबसे पहले अकोला डिस्ट्रिक्ट के, अमरावती, भंडारा, चंद्रपुर, गढ़चिरौली, गोंडिया, नागपुर, वर्धा, वसीम, यवतमल, ठीक है। तो इतने डिस्ट्रिक्ट, कई सारे डिस्ट्रिक्ट यहाँ से कवर हो गए, 3, 2, 5 और 5, 5, 10, तो 10 जिलों के बच्चे इस फॉर्म में भर पाएंगे, ठीक है। आपको सबसे पहले क्या करना है, रजिस्ट्रेशन कर देना, कौन सी वेबसाइट पर जाकर, www.joinindianarmy.nic.in पर जाकर आपको अपना रजिस्ट्रेशन कर देना है। देखिए, अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया, सीधे आप रैली भर्ती देखने चले गए, तो वहां से आपको निकाल दिया जाएगा। अब हर चीज़ मॉडर्न हो गई, तो भारतीय सेना भी मॉडर्न हो गई, आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, ठीक है। आपको फिर एडमिट कार्ड आ जाएगा, एडमिट कार्ड लेके आप अपनी रैली भर्ती देखने चले जाओ। जो आपकी रैली भर्ती चलेगी वो 12 अक्टूबर से 23 अक्टूबर, इन 3 दिनों में, 12 से 23 कई सारे दिन हो गए, करीब करीब 10 दिन आपके हो गए, तो इस 10 दिन तक आपकी रैली भर्ती चलेगी। तो आप अपने जल्दी से जो है ना अपने रजिस्ट्रेशन कर दीजिए। आपके रजिस्ट्रेशन ओपन हो चुके हैं, 13 अगस्त से 26 सितंबर तक चलेंगे, तो 13 अगस्त हो गई है, आप अपने जो है ना रजिस्ट्रेशन जल्दी से भर दीजिए, ठीक है। तो ये बात इंपॉर्टेंट हो गई, और आपकी रैली भर्ती का मैंने टाइम भी आपको बता दिया है। और जो आपके एडमिट कार्ड है वो 27 सितंबर से 10 अक्टूबर के बीच में आपके एडमिट कार्ड भी आ जाएंगे, तो एडमिट कार्ड लेके आप चले जाना, ठीक है। तो ये बात हो गई ARO नागपुर की जो वैकेंसी रही थी। तो अब इसके बाद जो वैकेंसी आई उसके बारे में लेके चलते हैं, हम डिटेल में नहीं बता रहे हैं। अब इसके बाद जो वैकेंसी है ये आपकी जो ना जारी की गई है, आर्मी रिक्रूटमेंट रैली है डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स स्टेडियम सीकर, ठीक है। तो हेडक्वार्टर जो जयपुर में पड़ता है रिक्रूटमेंट ऑफिस का, तो इस जयपुर द्वारा ये वैकेंसी जारी की गई है। इसमें कौन कौन से जिले के बच्चे अप्लाई कर पाएंगे आप यहाँ से देख सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट ऑफ जयपुर, सीकर एंड टोंक, ठीक है। तो इतने जो है ना जिले के बच्चे इसमें अप्लाई कर पाएंगे, जयपुर, सीकर एंड टोंक, तो 3 जिलों के बच्चे इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और इसके जो है ना आपकी रैली भर्ती के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स मैं आपको बता दूं, आपकी जो रैली भर्ती चलेगी 10 अक्टूबर 2019 से लगा करके 23 अक्टूबर 2019 तक, ठीक है। और आपके जो रजिस्ट्रेशन शुरू होंगे 13 अगस्त से 26 सितंबर, तो आपके भी रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुके हैं। आपके जो एडमिट कार्ड आएंगे वो कब तक आएंगे, 28 सितंबर से 30 सितंबर के बीच में आपके एडमिट कार्ड आ जाएंगे, एडमिट कार्ड लेके आप ये रैली भर्ती देख सकते हैं, ठीक है। तो ये इसकी कुछ मुख्य बातें थी। अब इसका जो है ना दोनों का PDF मैं नीचे कमेंट बॉक्स में या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में PDF दे दूंगा। अगर आप उस जिले के रहने वाले हैं तो आप सारा PDF एक बार डिटेल में पढ़ लीजिए कि आप सोल्जर जनरल ड्यूटी के लिए अप्लाई करोगे, ट्रेड्समैन के लिए अप्लाई करोगे, टेक्निकल के लिए अप्लाई करोगे, क्लर्क के लिए अप्लाई करो, किसके लिए अप्लाई करना चाहते हो, आप वहां से देख सकते हो, ठीक है। सारी एजुकेशन, सारी उम्र सीमा आप अपने हिसाब से PDF में नीचे दूंगा, क्लिक करके आप सब चीजें बड़ी डिटेल में उसमें से देख लेना, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज हो गई। और जो है ना इससे सबसे बड़ी बात आती है इसका जो है ना एग्जाम पैटर्न, ठीक है, सिलेबस इसका, और आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं, तो वो सारी चीज़ों के लिंक में वीडियो बन चुके हैं उनके ऑलरेडी, इसी चैनल पर पढ़ें तो उसके लिंक भी मैं आपको नीचे दे दूंगा, आप उस पर क्लिक करके सारी चीज़ें और भी देख पाएंगे। इस वीडियो में हमने मोटी मोटी इतनी बात की है, तो इस वीडियो में इतनी रखना चाहेंगे। हम आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम।